आश्रम आगा हो मेरे साला हेली चाय दे रही भाई बल्कि यही खाओ बने से अपन दिल्ली में कोई धंधा करते हैं और हिंडौन में आपकी बहन के ससुराल हो और आपको सूरत आना है तो आप सोचेंगे कि आज रात अपनी बहन के घर बिताएंगे और सुबह अपने घर चले जाएंगे। मेरे सज्जनों उत्तम सेठ अपनी बहन के घर चला गया, वहां जाकर बहन से मिला भेंट हुई, अच्छे बुरे समाचार पूछे, लेकिन जैसे ही उत्तम सेठ ने पैसे की अटैची अपनी बहन को गिताई और बहन ने पैसा देखा, बहन का मन ललचा गया। मेरे सज्जनों ये पैसे का मोह इतना बुरा होता है, भाई से भाई के प्यार प्रेम को तुड़वा देता है, रिश्तेदारी को तुड़वा देता है, हर संबंध को पैसे का मोह तोड़ देता है। तो उत्तम सेठ की बहन अपने भैया को बढ़िया बढ़िया खाना खिलाती है और सुला देती है और रात को अपने पति के पास जाती है और जाकर उसे कैसे डराती है और क्या कहती है, रे कैसे कहती है भैया, अरे लहसू तो हुए तो जाके बलम तो आजा मेरी बातन में, कैसे कैसे भैया, पड़सू तो हुए तो जाके बलम तो आजा मेरी बातन में, लक्ष्मी घर बैठा ही आगे वो नारे आधी रात को किसी वो नारे आधी रात को घड़घात को पति के पलंग पे जा रही, सोने का नहीं है टाइम तुम मानो सनम मेरी कही, और कैसे मिल भैया, बैठो हो जा तू भरता, कैसे, अरे बैठो हो जा तू भरता, तेरी दिशा पड़ेगी पार, धंधो नहीं है डोले खाली और खापा को नहीं दानो मारी किशा मिटे कंगाली, और कैसे मेरे भैया, तेरा घर में आई जब सु, कैसे, अरे तेरा घर में आई जब सु, पावो दुख पायो मन तब सु, तेरे मैंने कई सुख पायो और घर भी नहीं रहने को रोते रोते जन्म बितायो, और कैसे मेरे भैया, देखी नहीं रे कभी मिठाई, वो कैसे भैया, अरे देखी नहीं रे कभी मिठाई, कैसी हो मैं दूध मलाई, धनपट से ही राखो ले और बड़े भाग्य से मिलती बेलखना ये मानस दे, और कैसे मेरे भैया, करो नहीं आपको ढंग सु भोग, कैसे, अरे करो नहीं आपको ढंग सु भोग, लागे तरह तरह के रोग साजन अब रहमत हरी।